आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ छोटा क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाए, यानी कि 15-20-30 हज़ार लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाए। जब कोई हमसे ये सवाल पूछता है तो मैं समझ जाता हूँ इनको पहला अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड चाहिए, चाहे लिमिट कुछ भी मिले, बस इनको कार्ड अप्रूवल से मतलब है। ये भी समझ जाता हूँ कि इनके पास इनकम प्रूफ नहीं होगा तभी ये छोटा क्रेडिट कार्ड के लिए पूछ रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, सैलरी कैश में मिलता हो, इनकम प्रूफ ना हो, ITR ना हो, तो कैसे क्रेडिट कार्ड बनवाना है आज के इस वीडियो में प्रॉपर इसी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी बताऊंगा अब तक के इतने सारे क्रेडिट कार्ड लेने के एक्सपीरियंस के ऊपर बताने वाला हूँ। और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि हर एक बैंक में कोई ना कोई एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जरूर होता है जो आसानी से मिल जाता है, वही चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहला क्रेडिट कार्ड के बात करूं, उससे पहले एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा। हो सकता है कुछ पॉइंट आप जानते होंगे जो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो स्किप करें, स्किप करिएगा, हो सकता है वो पॉइंट आप मिस कर जाए जो आप नहीं जानते होंगे। चलिए दोस्तों, तो अपने लिस्ट का सबसे पहला क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं जो मिनिमम 18 के एज में आप अप्लाई कर सकते हैं, 730 प्लस सिविल है तो 100% कार्ड अप्रूव होकर मिल जाएगा। लिमिट भले ही आपको कम मिल सकता है लेकिन कार्ड आपका जरूर अप्रूव होने वाला है, वो है HDFC टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। ध्यान दीजिएगा, टाटा न्यू प्लस कार्ड का बात कर रहा हूं। इनका इन्फिनिटी कार्ड भी आता है, वो थोड़ा सा हायर वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन प्लस क्रेडिट कार्ड चुटकियों में आपको मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या है, 2-3 तरीका मैं बताता हूं, किसी भी क्रेडिट कार्ड लेने का 2-3 तरीका मैं आपको क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। ध्यान से देखिए, 100% आपका भी कार्ड बनेगा। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, टाटा न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वहां से बिल पेमेंट वगैरह करिए, थोड़ा सा उस ऐप के ऊपर स्पेंड करिए। स्पेंड करने का मतलब यह नहीं कि फालतू का खर्चा करें, जो भी आपको रिचार्ज करना हुआ, बिल पेमेंट करना हुआ, वहां से करिए। इससे क्या होगा कि टाटा न्यू समझेगा आप हमारा रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, और मैं मान के चलता हूं आपका सिविल 730 प्लस हो ही चुका है। उसके बाद टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% अप्रूव होकर के मिल जाएगा। सिर्फ सिविल बेसिस पे ये कार्ड मिलेगा। टाटा न्यू का HDFC से टाई अप है तो HDFC बैंक द्वारा ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू होगा, जो कि HDFC में अकाउंट होगा तो वीडियो केवाईसी करने का भी कोई झंझट नहीं है। 730 सिविल या उससे नीचे सिविल पे भी ये कार्ड अप्रूव हो जाएगा अगर HDFC में अकाउंट होगा। अगर HDFC में अकाउंट नहीं है तो 730 प्लस सिविल चाहिए, और वीडियो केवाईसी जो कि 2 मिनट का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करेंगे और आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेम डे इंस्टेंट जनरेट होकर के मिल जाएगा। इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, वहां से अप्लाई करके इस कार्ड को ले सकते हैं। इस कार्ड का स्टार्टिंग लिमिट 25,000 मिल सकता है, या आपका सिविल अगर कार्ड अप्लाई करते समय अच्छा होगा तो ज्यादा लिमिट भी आपको मिल सकता है। चलिए इसके बाद दूसरा कार्ड की अगर मैं बात करूं जो कि ये भी आप मिनिमम 18 के एज में ले सकते हैं, और ये भी कुछ इसी तरीके से आसानी से आप ले सकते हैं, जो कि है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड को लेने का भी 2-3 तरीका मैं आपको बता देता हूं, 2-3 में से कोई एक तरीका के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप जनरली शॉपिंग वगैरह करते होंगे तो उसी मोबाइल नंबर के थ्रू ये कार्ड को अप्लाई करिए तो आसानी से अप्रूव हो जाएंगे। इस कार्ड को लेने का दूसरा तरीका है, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, 2-3 महीना पुराना अकाउंट है और नॉर्मली मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट को, एटलीस्ट अकाउंट अगर माइनस में नहीं है तो इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली कार्ड अप्रूव हो जाएगा। वीडियो केवाईसी करने का भी कोई झंझट नहीं, सेम डे कार्ड अप्रूवल का मैसेज मिल जाएगा और 5 से 7 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और तरीका का अगर मैं बात करूं तो सिविल 740 प्लस है, सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो डायरेक्टली आप इस क्रेडिट कार्ड को एक्सिस बैंक के वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। अप्लाई करेंगे एंड पेज के ऊपर वीडियो केवाईसी का लिंक मिल जाएगा, जैसे ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे 2-3 मिनट का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका सिविल, आपका प्रोफाइल, आपका एरिया, सिटी, पिन कोड के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका लिमिट कितना दिया जाएगा, और इंस्टेंट कार्ड अप्रूव होकर 1 से 2 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको 18 के एज में मिल जाएगा। चलिए अब अगले कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि भाई आप बता रहे हो चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सिविल तो चाहिए हमें कार्ड लेने के लिए, बिना सिविल बिना इनकम प्रूफ के कैसे कार्ड ले। तो देखिए दोस्तों, लीगली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप काम भी नहीं करते हैं, इनकम प्रूफ भी नहीं है, सिविल भी नहीं है और आपको कार्ड मिल जाए। ऐसा पॉसिबल तब ही है जब आप अपने अकाउंट को अच्छा खासा मेंटेन कर रहे हो, यानी कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक में अकाउंट खुला लिया, लाखों रुपया मेंटेन कर रहे हो, तब हो सकता है बिना किसी इनकम प्रूफ, बिना सिविल स्कोर के बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे दे। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन में अपना अगर मैं बात करूं तो हम लाखों रुपया मेंटेन नहीं करते हैं, ना ही हमारे कोई फैमिली मेंबर इतना बैलेंस मेंटेन करता है किसी भी बैंक अकाउंट में, जिससे कि बैंक प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड दे सके। अगर आपका भी ऐसा सिचुएशन है तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन एक ही है, एक FD वाला क्रेडिट कार्ड ले लो। मार्केट में बहुत सारे FD वाले क्रेडिट कार्ड है, लेकिन SBM क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड रिसेंट समय का बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि ये 5,000 FD के साथ कार्ड ले सकते हैं, 4,500 रुपए का इंस्टेंट कार्ड लिमिट मिल
जाएगा जिसे आप इंस्टेंटली यूज भी कर सकते हो। इसके अलावा इस कार्ड को मैं बेस्ट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 4049 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिल जाता है इस कार्ड के ऊपर, यानी कि 5000 का एफडी किया, 4049 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिल गया, प्लस 45 साल लिमिट का कार्ड मिल गया। अब ये कार्ड लेने का फायदा देखिए, जैसे ही ये कार्ड को रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे, 2-3 महीने आप यूज करते हैं, आपका सिविल अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा, जिससे कि इन फ्यूचर में कोई भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करेंगे तो वो बैंक समझेगा कि ऑलरेडी आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हो, आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ पता है, आपको बिल पेमेंट के बारे में पता है, तो कोई भी बैंक आपको अपना अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड अप्रूव करके दे देगा। और यही वजह होता है जिनका सिविल नहीं है तो बैंक सोचता है इनको क्रेडिट कार्ड के बारे में पता है या नहीं है, सिविल स्कोर है नहीं, कैसे हम इन पे भरोसा करें। इसलिए अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड जिनका सिविल नहीं होता है बैंक कार्ड डिक्लाइन कर देता है। तो टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जिनका सिविल जीरो है या जिनका सिविल खराब है उनको SBI क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, जिससे आपका सिविल अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा, अच्छा खासा सिविल बढ़ के 750 प्लस हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर, उसके बाद आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद चाहे तो आप इस कार्ड को बंद करा लेना। तो SBI क्रेडिलियो कार्ड का भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इनकम प्रूफ के साथ आप कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, सैलरी स्लिप किसी के पास है किसी के पास नहीं है, और सैलरी स्लिप बनाना पॉसिबल भी नहीं है, ये आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जहां आप जॉब करते हैं वो देगा या नहीं देगा। लेकिन ITR आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, 10 मिनट के अंदर आप ITR फाइल करवा सकते हैं, जो कि एक इनकम सर्टिफिकेट हो जाएगा, जिसे आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में यूज कर सकते हैं, किसी भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवाने में यूज कर सकते हैं। तो ITR के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर ITR फाइल होकर के आपको मिल जाएगा। 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, और अगर आपका इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच है तो 1000 लेट फीस के साथ ITR फाइल होगा, और 5 लाख से 7 लाख के बीच का अगर इनकम है तो 5000 लेट फीस के साथ ITR फाइल होगा। खैर, अगर आप ये सब चीजें नहीं समझ रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, वहां से कॉन्टेक्ट करके सारा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं मान के चलता हूं या तो आपने ITR करवा लिया है या तो आपके पास सैलरी स्लिप है, यानी कि किसी भी तरीके से आपके पास इनकम प्रूफ हो गया है, तो आप कैसे आसानी से 100% अप्रूवल वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करूंगा, जिसमें पहला आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड। ITR है तो 100% ये कार्ड अप्रूव होकर के मिल जाएगा, लेकिन ये कार्ड मिलने का जो प्रोसेस है वो 15 से 20 दिन का प्रोसेस है, कभी कभी 25 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने 5-6 फैमिली मेंबर का कार्ड बनवाया है PNB का, एक का भी रिजेक्ट हुआ ही नहीं है। ITR प्लस 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है, और बैंक स्टेटमेंट में जरूरी भी नहीं है कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वाला भी दे देंगे, बस उस स्टेटमेंट में ई मैंडेट बाउंस यानी कि ECS बाउंस वाला ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तो आपका बैंक स्टेटमेंट पास हो जाएगा, 100% कार्ड अप्रूव होकर मिल जाएगा। तो ITR के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। इसके बाद दूसरा क्रेडिट कार्ड मैं सजेस्ट करूंगा जो इनकम प्रूफ के बेसिस पे ले सकते हैं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी सैलरी स्लिप या ITR के बेसिस पे 100% अप्रूव होकर मिल जाएगा, 730 प्लस सिविल है तो आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। लिमिट्स भले ही 15,000 मिले 12,000 मिले, यहाँ पे तो एक हाथ की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं सबका लिमिट ठीक ठाक है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक क्रेडिट कार्ड एक फैमिली मेंबर को 12,000 लिमिट के साथ दिया। इस बात का मतलब यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा चाहता है लिमिट चाहे हम कम दे लेकिन कार्ड जरूर देंगे, सिविल आपका कल को ठीक हो जाएगा उसके बाद लिमिट बढ़ा देंगे, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात कि जिनका सिविल जीरो है जिनका सिविल खराब है, सिविल सही करने के लिए फटाफट से एक SBI क्रेडिलियो कार्ड ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में, 4049 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा, सबसे आसान तरीके से मिलने वाला रिसेंट समय का जो क्रेडिट कार्ड है वो है HDFC टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। हालांकि कार्ड का डायरेक्ट अपना लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया, वहां से अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी और प्लस दो कार्ड का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप किसी भी कार्ड को सेलेक्ट करके अप्लाई करें, आपके प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कार्ड का अप्रूवल आएगा। अगर इन्फिनिटी का अप्रूवल आता है, इट मींस सिविल सही है, तो इन्फिनिटी ले लेना, उसके ऊपर ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन दोनों ही कार्ड फ्री मिलेंगे, इन्फिनिटी और प्लस दोनों ही, तो इस कार्ड को भी जरूर ट्राई करिएगा। उसके बाद तीसरा कार्ड मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। और इसके बाद तो मैं आपको बता ही दिया कि इनकम प्रूफ के बेसिस पे BOB और PNB क्रेडिट कार्ड आसानी से ले सकते हैं। तो इनकम प्रूफ बनवाने के लिए यानी कि ITR बनवाने के लिए कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।